कर रहे हो तो वेलकम टू आसाम एक्सप्रेस। गाइस इस समय लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फुल डे लॉकडाउन नहीं है आसाम में। 2 बजे से लॉकडाउन है और 6 बजे से कर्फ्यू है। 2 बजे तक काम पे रहता हूँ और 2 बजे के बाद घर का काम करता हूँ। अभी खेत एरिया में आया हूँ गाय देखने के लिए। हमारा गाय इधर ही घास खा रहा होगा कहीं, देखते हैं कहाँ है। घर लेके जाऊंगा अभी। इधर नहीं है शायद। गाइस ये खेत एरिया बड़ा है और यहाँ आसपास का 5-6 गांव का लोगों का जमीन है। यहाँ पर धान खेती ही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। और अभी पूरा धान कटाई के बाद पूरा खाली पड़ा है। अभी धान का सीज़न आने वाला, बरसात आने वाला, तू यहाँ पर धान खेती ही करेगा। तो हमारा गाय इधर नहीं है, कहीं घास खा रहा होगा। तो पहले इस तरफ देखता हूँ। इधर तो नहीं है, इधर ही कहीं होगा शायद। अरे हमारा गाय इधर भी नहीं है, कहाँ गया? हमारा गाय इतना दूर नहीं जाता, इधर ही कहीं घास खा रहा होगा, लेकिन मिला नहीं अभी तक। इस तरफ तो नहीं है, उधर देखते हैं। गाइस गाय कहाँ गया, अभी तक नहीं मिला। ये देखा है बेम्बो, इधर बेम्बो है। गाइस उस तरफ नहीं मिला, लेकिन इधर ही आसपास में कहीं है। चलिए इधर आगे एक आम का पेड़ है, बहुत आम है, चलिए दिखाता हूँ। यह आम का पेड़ है। अरे भाई बहुत आम है यार, बहुत आम है। ये आम देखो, चलिए गाइस एक तालाब दिखाता हूँ आप लोगों को। लेकिन तालाब के ऊपर जंगल है, गाइस ऐसा तालाब बहुत है आसाम में। नीचे पानी है, उसके ऊपर एक लेयर है पीट का, और उसके ऊपर जंगल है, पेड़ भी हैं, और लेकिन ये तालाब है। ऐसा तालाब बहुत है आसाम में। ये देखो एक लेयर है ऊपर, और ऊपर पूरा जंगल है। हमारा गाय का एक बच्चा इधर भी है, ये सफ़ेद वाला बच्चा हमारा है, और बाकी कहाँ गया पता नहीं। इधर कहीं होगा शायद,